हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज की वीडियो में मैं एक नया गेम खेलने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं 500 सब्सक्राइबर पे एक सरप्राइज़ गेम खेलूँगा। तो सरप्राइज़ ये है कि मैंने 500 से पहले शुरू कर दिया, तो वो तो मैं जानता हूँ आप 500 सब्सक्राइबर करवा ही दोगे। तो यही थी थोड़ा बहुत सरप्राइज़ मैंने सोचा था। इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको ये बिल्कुल ज़रूर देखना चाहिए। मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ इस गेम को। अब तक का बेस्ट गेम जिसकी मैंने स्टोरी सुनी है, जिसकी मैंने स्टोरी खेली है, अब तक का बेस्ट गेम लगा है। तो इस गेम की बेसिक स्टोरी लाइन ये है कि इस गेम के अंदर एक लड़की होती है और उसका एक भाई होता है। लड़की का नाम होता है एमिसिया और भाई का नाम होता है ह्यूगो। और उसके छोटा भाई होता है, तो छोटा भाई के पास कोई अजीब सी बीमारी होती है, तो वो बीमारी की दवाई ढूंढनी होती है उनको। लेकिन बुरे लोग उसके पीछे पड़ते हैं क्योंकि उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा अजीब सी और कुछ पावरफुल चीज़ों को कंट्रोल करने लायक थी, तो बुरे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो एमिसिया को उसे बचाना पड़ता है। तो ये है बेसिक स्टोरी लाइन। तो अभी मैंने गेम कर लिया स्टार्ट। स्टार्ट तो मैंने पहले कर लिया था। और ये देखो मेरा टॉमी कुत्ता, और इस कुत्ते का नाम कुछ भी रख लो, मेरे क्या जा रहा है, कुत्ता है, कुत्ता ही कह देंगे, मैं तो वही बुलाता हूँ। और ये आगे चल रहा मेरे पापा हैं। हेलो पापा जी, ऐसे ही चलते हो, कुछ बात तो कर लो। तो हम लोग आए यहाँ पे कुछ सेब तोड़ने, एप्पल तोड़ने। और ये रहा हमारे एप्पल का ट्री। हमारे पापा हमें स्लिंग मारना सिखाएंगे, मतलब हमें आता है, बस हमें बस वो रॉब जमाने, मतलब दिखाने एक अपने पापा को हम मार सकते हैं, हम भी नाइट बन सकते हैं। तो पापा अभी रूल सिखा रहे हैं, रूल तो फालतू में सिखा रहे हैं, पता ही है, मैं बस ये ट्यूटोरियल जैसा बना के रखा है। तो चलिए मेरे को मारने दो भाई, किससे मारना है, मुक्का मारूं, पत्थर तो दो, वो चलो गोरे पत्थर चलो। एक तो ये लड़की इतनी स्लो चलती है, बाप रे, इसका डेटोल का साबुन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। चलो मेरी स्लिंग कहाँ है, ये रही, ये स्लिंग मतलब एक गुलेल टाइप की चीज़ है। गुलेल को एक गुलेल अलग होती है, लेकिन ये बस मेरे को तो वैसे ही लग रहा है कुछ भी। तो ये पट्टा से हेड शॉट, हेड शॉट तो ये नहीं है, तो पट्टा से सेव शॉट। और एक और, वाह मैं निशाने लगाने में एकदम माहिर हूँ रे। मैं सोच रहा ओलंपिक्स में चला जाऊं, क्या कहते हो, कमेंट करके बताना। और चलो हो गया ना पापा, ओ एक और बाकी है, बाप रे 10 सेकंड का टाइम दिया था, उससे पहले हार गया। चलो कोई नहीं, बाकी सारे निशाने तो अच्छे मारे। चलो कोई नहीं भाई, कहाँ जाना है, हेलो पापा बताओ। हेलो, हाँ तारीफ करना बंद करो, हाँ मैं जानता हूँ, मैं हूँ ही एक्सपर्ट यार। और ये मेरा कुत्ता क्यों भौंक रहा है, और मेरा टॉमी कितने जा रही हो। चलो ये अभी भागने वाले ट्यूटोरियल्स दिखाएंगे हमें, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, भागने के ट्यूटोरियल्स पता ही नहीं होते, हम यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते। यार ये गेम वालों को कॉमन सेंस कब आएगी यार, हम प्लेयर को चलाना जानते हैं उसके बाद सिखा रहे, AWS से प्लेयर चलता है। हाय यार कुछ तो कॉमन सेंस रखा करो, क्यों गवा रहे हो जैसे काम करते हो। तो चलो मेरा कुत्ता कहाँ जा रहा है, कुत्ते के चीता, हम बगी जा रहे, बगी जा रहे, उसे लगता है कुछ खाने को मिला है। ओए अकेले मत खाना, हमें भी थोड़ा शेयर करेंगे, दोस्त है ना अपन। ओ ये क्या है, ये सुअर है ना, ओ सुअर मेरा दोस्त दिख गया मुझे, मतलब समझ गए उन्हें आप। हाँ चलो पत्थर ले लिए मैंने। और भाई पापा मुझे बताओ क्या करना है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, चुपके चुपके जाना पड़ेगा, चुपके से कहा जाओ, घास है ना इधर साइड में ही है, तो घास में चुपके जाना पड़ेगा। चलो जाने दो अभी, चलो आराम से इसको पट्टे से हेड शॉट मारना है ना। वो देख लिया लेकिन लग गया निशाना, तो भी हमारा देखा निशाना, मेरा निशाना। चलो यार तारीफ बहुत करते, लेकिन ये मेरा कुत्ता मतलब ये सुअर भाग गया, मेरा दोस्त भाग गया। चलो ये मेरा कुत्ता भी भाग गया साथ में। अभी से डिनर की बातें चल रही है, ये देखो इन्हें कहते हैं भूखे, कुछ भी चल रहा हो बस खाने की चीज़ें, खानों की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फूडी बंदे लगता है। मैं भी हूँ फूडी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जब मैं खाता हूँ तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ, जब नहीं खाता तब मन ही नहीं करता कुछ, समझ रहे हो ना।
बस वैसे ही कुछ। ये क्या है, कीचड़? छी, ये मैं क्यों कर, मेरे पैर में थोड़ी चल रहा है। हाय छोड़ो रहा, मैं भी फालतू की बकवास करते रहता हूँ यार। इतना स्लो मोशन में तो यार रात निकल जाएगी। चलो पहुँच गया, अभी भाग ले। ये मेरा एक तो कुत्ता पता नहीं कहाँ निकल जाता है, और ये फिर से कीचड़। निकलो यार। तो गाइस अभी तो ऐसे कुछ बचकाना सा टाइप लग रहा होगा कि गेम प्ले क्या है, ये कुत्ते ढूंढ रहे हैं, कुत्ते ढूंढ रहे, लेकिन मेन सीन अभी आने वाले हैं। तो मैं पहले से स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन एक स्पॉइलर दे सकता हूँ कि ये गेम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और मैं क्या कहूँ इस गेम के बारे में, सबसे बेस्ट गेम मुझे अब तक का लगा है। और ग्राफिक्स तो देख ही सकते हो, है ही तगड़ी, इतनी बढ़िया, सब कुछ डिटेल लग रहा है। तो चलो मेरा कुत्ता यहाँ पे है। ओ मेरे कुत्ते को हो क्या गया? टॉमी, टॉमी व्हाट आर यू डूइंग हियर? हु डिड दिस? लगता है कोई शेर वगैरह होगा कुछ। एक सेकेंड, शेर वगैरह जमीन के नीचे से मस्ती करते हैं। रैट्स, कुत्ते का नाम लायन रखा है, वाव। हाँ वही लियन, लायन, स्पेलिंग तो एक ही है। पता नहीं कोई रैट्स कहा था ना कुछ। चलो गेम का इंट्रो आ गया, अ प्लेग टेल इनोसेंस। कसम से इस गेम की सबसे अच्छी बात है इसकी स्टोरी, सबसे बेस्ट स्टोरी इस गेम में से, सबसे बेस्ट में इसका नाम आता है। हाँ समझ गए हो ना आप, मैं कभी अजीब सा बोलते लगता हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता मैं क्या बोलता हूँ। चलो अब आ गए हम घर, अब इसका रोने का नाटक होगा, सबको घर वालों को बताएगी, जैसे सास बहू सब का होता है। ये अभी अपनी घर में सबको बताएगी, दादी अम्मा सबको बताएगी। ओ हमें सेफ रहने के लिए कहा है, और मेरा कुत्ता अच्छा है पता है मेरे को भी, मेरा कुत्ता है, मेरा मेरे दोस्त जैसा है, मेरा मतलब दोस्ती है, मतलब समझ रहे हो ना बस। और अभी मेरे को कहाँ जाना है, अपनी मम्मी के पास जाना है ना। चलो गाइस मैं इसकी मम्मी को ढूंढता हूँ, मुझे नहीं लगता इतने बड़े एरिया में मेरे को इतनी फटाफट मिल जाएगी। चलो यहाँ पे कहीं पे, हेलो मम्मी कितने हो? ओए मम्मी ये भी नहीं है, ये घोड़े चलाने मिलेंगे क्या? गाइस मैंने पूरी जगह इतनी गंदी तरह से छान मारी है, अब यहाँ पे मैं आया हूँ, पता नहीं यहाँ पे मिलेंगे कि नहीं। यहाँ पे तो नहीं, ओ यहाँ पे ही है। चलो गाइस हमें मिल गई इसकी मम्मी, कट सीन आ गया जिसलिए बहुत लंबी स्टोरी है, मैं अभी समझाता हूँ। तो जो हमारे छोटा भाई है, वो देखो ये छोटू सा है, बचकू सा, तो इसे बचाने, और ये बुरी गैंग वाले आ गए, मतलब जो भी सोल्जर्स वगैरह, हमें बच के जाना है यहाँ से। तो यहाँ पे भी एक है, एक सेकेंड थोड़ा चुप के रहना पड़ेगा। ओ बच गए, बच गए, देख ही नहीं रहा, मतलब ये इनको नौकरी में रखा किसने, दिख रहा है यहाँ पे सामने से पीछे से कोई दो बंदे छुपे हुए हैं, दिख ही नहीं रहा, रखा किसने इनको नौकरी पे, निकालो सालों को। ये देखो उधर से, यहाँ पे कोई दूसरी इंडियन आंटी होती तो पहले ही देख लेती, कितने जा रही हो छोरी। और ये बेहू को पता नहीं नौकरी में रख किसने लिया। ओ भाई मेरे यहाँ पे कोई काम करने आ मत जाना, वरना मार मार के भगाऊंगा। चलो चले गए ना पक्का, रेडी स्टडी पो है क्या? नहीं, आवाज़ तो नहीं आ रही, ये कौन मरा पड़ा है? एक सेकेंड चुपके से निकल देता हूँ, वो उधर टाइम पास कर रहा है। चलो गाइस मैं चुपके चुपके आ गया, अब हमें इसकी मम्मी को ढूंढना है। ये लड़की भी बावली है, इसे भी कुछ आता नहीं है, ये भी मम्मी के सहारे है। अच्छा है अभी छोटी उम्र है, बच्चे हैं। और ये कौन, ये ओ बच गए हम पहले नहीं गए, मरेंगे मरेंगे लग, मतलब निकलना पड़ेगा लगता है। एक सेकेंड ये मारने में लगे, हम निकल लेते हैं। हेलो भाई तुम्हारी नौकरी जिसने भी लगाई है, बहुत बढ़िया आदमी है, पैसे कमाओ, फ्री में टाइम पास करो तुम लोग, ठीक है? बेवकूफ़ जैसे काम करो,
ये देखो अभी भी इनको दिखेंगे नहीं क्योंकि हम साइड में खड़े हैं, तो भी नहीं दिखेंगे। देखना देखना ये देखो, कॉमन सेंस की बात भी नहीं इनके। पता नहीं नौकरी में रख किसने लिया। हाँ पता है मेरे को ये गेम ऐसे स्टेल्थ मोड गेम होते हैं, लेकिन यार ये थोड़ी कॉमन सेंस वाली चीज़ें डाला करो। ऐसे कौन करता है भाई। सामने से दिख रहा है, अगर कोई इंडियन आंटी होती तो आराम से देख लेती, लेकिन नहीं, इंडियन गेम्स हैं। नहीं ये इंडियन गेम्स नहीं है, फॉरेन गेम्स हैं बिना कॉमन सेंस वाले। ओ ये कौन है, जान पहचान वाला आदमी नहीं, ये तो नहीं लग रहा। मारो इसे पट्ट से हेड शॉट। ओ ये तो इसकी मम्मी है। तो गाइस हमें इसकी मम्मी मिल गई, लेकिन अभी हम मुझे लगता है इस एरिया से भागना पड़ेगा। तो चलिए इस एरिया से भागते, थोड़ा सा देख लेते हैं मम्मी बेटी का प्यार। चलो इस गेम की एक मेन चीज़ है कि ये एमिसिया जो हमारी लड़की है वो अपनी मम्मी से ज़्यादा मिलती नहीं, लेकिन आज हो रहा है क्योंकि उसके छोटे भाई की बात आई है, तो मिलना तो पड़ेगा ही ना। देखो गरज वाली बात है। चलो अब हम चलते हैं। ये अमीशा इंस्टाग्राम पे है क्या? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। चलो अभी से क्यों चुप रहे हो, कोई है क्या? मुझे लग रहा पीछे वाला रास्ते से जा रहे होंगे। अब देखो गाइस इतनी बड़ी सीढ़ियाँ, यहाँ पे किसी को जाते हुए दिख ही नहीं रही है। देखो साइड में खड़ा है आदमी, उसे दिख नहीं रहे। कसम से ये अंधे हैं क्या यार। लेकिन ये बढ़िया गेम है, मज़ा आ रहा है इसको खेलते हुए। इन बेवकूफ़ों के साथ खेलने में तो मज़ा ही जा जाता है। वही अंधों में काना राजा वाली बात है, इनसे भी लेके जा रहे हैं। अब तक तो मस्का चल रहा है गेम, अब तक हम मरे नहीं हैं, मतलब मेरे को गेम आज आ रहा है, आई एम प्रो। तो अब क्या, यहाँ पे क्यों खड़े हैं मम्मी? हेलो मम्मी। अच्छा उसको जाने के लिए वेट करना पड़ेगा, एक सेकंड भाई। चलो बराबर जा रहा है जा रहा है, अब ये उससे बात करेगा जब तक हम पीछे से निकल जाएंगे। वाह कॉमन सेंस, कितना मस्त दिमाग है इनमें। चलो यहाँ से आगे। चल भाई छोटू आ जा, रखता हूँ तेरे को ऊपर। तो गाइस अब तक तो मेरे को बस मज़ा ही आ रहा है गेम खेलते हुए। अब थोड़े कुछ इंटरेस्टिंग काम हो जाए, जैसे किसी को पट्टे से हेडशॉट मारना पत्थर से। ओ पत्थर पे तो नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ पे मार सकता हूँ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब थोड़ा दिमाग वाली चीज़ आई है जिसमें मज़ा आए, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करो, साइड से निकल जाओ, इस चीज़ में मज़ा आता है। ये क्या है साइड से निकल जाओ, उनको दिख ही नहीं रहा अंधे लोगों को, डिस्ट्रैक्ट करके तो लगता है भैया दिमाग लगाया। चलो इधर भी पत्थर लगा दिया, अब ये बेवकूफ़ जैसे वहाँ देखेंगे हम निकल लेंगे, कॉमन सेंस। चलिए ये मम्मी पहले से भग रही है, यूँ नहीं बच्चे पीछे आ रहे देख ले उनको के बराबर आ रहे कि नहीं, पहले ही निकल लिए ये मम्मी। मेरे को लग रहा है कुछ शाणी है, आई डोंट ट्रस्ट हर। इसको थोड़ा यहाँ पे फेंकता हूँ, ये यहाँ पे जाएगा, हम पीछे से निकल लेंगे। निकल भाई इतना टाइम क्यों लगा रहा है। चलो गाइस हम इससे भी बच लिए। चलो अब क्या, गेट तो बंद है, अब मत बोलना, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, लॉन्ग कट लेना पड़ेगा। ओ ये बच्चे को इसमें डालो, इस साइड फेंको, इसको इस साइड फेंको। देखा मैं सही हूँ, एकदम स्मार्ट बॉय, मैं जानता हूँ यहीं से डालना पड़ेगा। देखो ब्रेव बॉय ब्रेव बॉय। हाँ भाई छोटू तू ब्रेव है, चल निकल यहाँ से अंदर जा। मैं ऐसे पटक सकता हूँ इसको ऐसे? नहीं, ऐसे फेंकने का ऑप्शन होना चाहिए। युगो को उठाओ ऐसे फेंक दो जैसे ग्रेनेड को फेंकते हैं। ओ फास्ट काम है बच्चे का। चलो अब यहाँ पे हमें बच के रहना पड़ेगा।
यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। एक सेकंड वो आ रहे हैं, बेवकूफ़ आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग आ रहे हैं, हमें बैठे ही रहना पड़ेगा। अब ये इस साइड जाएंगे तब हमें निकलना पड़ेगा। चलो, ये मम्मी पहले भाग लेती है, जिसे देखो रास्ता खाली हुआ नहीं कि मम्मी पहले निकल लिए, बच्चों की परवाह ही नहीं, बच्चे पीछे आ रहे चेक ही नहीं करना। वो ये देखो अभी भी आगे निकल रही है, ये भी है, छोटू सा बच्चा कहाँ से चढ़ेगा। आजा। हाँ मम्मी सॉरी सॉरी, ये से क्या हुआ, दौरे पट रहे। ओ यही तो है उसकी बीमारी, इसकी बीमारी आगे जाके बहुत काम आएगी हमारे और खिलाफ भी होगी। मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दे सकता वरना फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, मम्मी कुछ जादू टोना कर रही है, मतलब कॉन्फिडेंस दिला रही है, बढ़ते चलो बढ़ते चलो। चलो मम्मी जी चले क्या मम्मी, हो गया। हाँ चलो, जैसे ही काम हुआ मम्मी निकल लिया है, देखो। चलो ह्यूगो को पास बुलाओ, इसका नाम तो वो ऐप जैसा आ रहा है, वो हगो ऐप करके, नहीं लेकिन इसका नाम ह्यूगो है, अच्छा लग रहा है ये नाम, अच्छा तो भी ठीक है, टिकटॉक से तो बहुत बढ़िया है। There you go. Thank you. और अमीशिया तो हाय है, मस्त नाम है, जाने दो, मैं ज़्यादा कह नहीं सकता कुछ। चलो अभी घास में, ओ अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके, मुझे पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके सिग्नल देना पड़ेगा तब जाके वो आएंगे, मेरे को ये मटके से डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हो रहा है ना कुछ मज़ेदार काम। चलो एक सेकंड में उसे वहाँ पे भगा देता हूँ, ये मटका लेना है, मटके में ज़्यादा आवाज़ होगी। और ये आ जाओ भाई आ जाओ, सिग्नल दे दिया, आ जाओ। ये मटका लेके रखूँ, जाने दो, आगे मिल जाएंगे रे, गेम वाले कहीं ना कहीं से डाल ही देंगे रे। चलो ये हो गया, अब क्या, यहाँ से निकल लिए। अब पता है मुझे क्या करना है। अब मैं इसे मारूंगा, यहाँ पे चेक कर जाएगा, फिर वापस घूम के पीछे वो उल्टा होके जाएगा ना, सीधा होके तो नहीं जाएगा। देखा मेरे पास कितना दिमाग है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम ग्रेट खली, मतलब कुछ भी। चलो निकल भाई यहाँ से निकल, पहली फुर्सत में निकल। चलो ये निकल लिया, अब हम यहाँ से निकल लेते हैं। चलो चलो, ये देखो मम्मी पहले ही भाग लेती है, जिसे देखो। और ये कौन है भाई, अच्छा ये अपने आदमी हैं, कोई नहीं। तो गाइस अभी हमें पता चला है कि अमीशिया की मम्मी मर चुकी है, ह्यूगो को नहीं पता है, लेकिन हमें बचाने के चक्कर में वो मारी गई, RIP इन चैट। और अभी हम यहाँ से भागते रहे हैं, ये पता नहीं भाले वगैरह फेंके जा रहे हैं, ग्राउंड शेकिंग। तो गाइस इस गेम में विलन कौन है पता है, एक चूहे होते हैं, बहुत सारे चूहे जो लाइट में नहीं जिंदा रह सकते, लेकिन अंधेरे में वो बाहर आके पूरा हड्डी मांस वगैरह एक साथ सब खा जाते हैं। तो आपको वो आगे देखने मिलेगा, लेकिन तब तक हमें भागना पड़ेगा। वाह, अब हो रही कुछ मज़ेदार चीज़ें, ये हुआ ना कुछ गेम, स्टार्टिंग में इतने मज़ेदार सीन्स। तो गाइस अगर आपको अब तक ये एंटरटेनिंग लग रहा है गेम, तो प्लीज़ एक बार लाइक करके मुझे बता दो कि गेम कैसा है। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, जोश मिलता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। और मेरे को सजेस्ट करना नेक्स्ट गेम में किसको ऊपर डालूं, मतलब माइनक्राफ्ट डालूं, GTA 5 डालूं, या इसी की डाल दूं। अगर आपको ये गेम ज़्यादा अच्छा लगे तो मैं इसी की डाल दूंगा, आपके ऊपर है, आप ही लोगों मेरे लिए। सर्वप्रथम तुमने जो मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया। तो चलो, तो गाइस ये फर्स्ट चैप्टर तो हमारा हो चुका है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम खेलेंगे अगले एपिसोड में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको ये गेम कैसा लगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये बेस्ट गेम एवर है, GTA 5 से ज़्यादा बढ़िया मेरे को ये लगा है।
ये मेरी चॉइस है आपके लिए, मेरे को लगा है, आपको तो जो लगे आपकी मर्जी। मम्मी वो भी है तो चलिए, ये इनके अभी बकैती सुनता हूँ मैं, क्या कर रहे हैं। well, अच्छा मम्मी के नाम से इसे भगा रहे हैं। कोई नहीं, अच्छी बहन है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में। और ये सीन क्या मस्त लग रहा है रे, वाह। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, जब तक गुड बाय।